हाय स्टूडेंट, मैं हूं शंभू। जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूं कि एक्सेल में कैसे डाटा वैलिडेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए देखा जाए, यहां पे मैंने एक फार्मेट बना के रखा है, यहां पे यूज ऑफ डाटा वैलिडेशन, मतलब डाटा वैलिडेशन का इस्तेमाल कब किया जाता है। जैसे मैंने क्या कर दिया, एक मैंने हेडिंग बनाया है, टाइटल, नेम, एज, पिन कोड और मोबाइल नंबर। यहाँ पर मैंने बनाया है प्रोडक्ट और पर्सन आई डी। अब आइए देखते हैं इसका इस्तेमाल किस किस कंडीशन में कर सकते हैं। देखिए, डाटा वैलिडेशन का इस्तेमाल हम ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कोई डाटा बना रहा हूँ, कोई डाटा एंट्री का काम कर रहा हूँ, उस वक्त क्या हुआ, कुछ ऐसे जो कॉमन चीज़ होते हैं जिनका इस्तेमाल हमें बार बार करना पड़ता है। जैसे मैंने टाइटल हो गया, ये टाइटल में क्या होता है, टाइटल में हमेशा मिस्टर, मिसेज, कुमारी, यही मुझे देना है बार बार। तो क्या हुआ, उस कंडीशन हम क्या कर सकते हैं, एक प्रकार का हम ड्राप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। लोग क्या होता है, ड्राप डाउन लिस्ट बनाने से क्या फ़ायदा होगा, जिसे मान लीजिए हमेशा मिस्टर लिखना है, मिसेज लिखना है, कुमारी लिखना है, उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यूज ऑफ डाटा वैलिडेशन का। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे मान लो मिस्टर लिखना है, तो फिर से बार बार मुझे टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मिस्टर, मिसेज, मतलब एक प्रकार के डाटा वैलिडेशन के सहारे हम एक प्रकार का क्या कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना के देख सकते हैं। ऐसा मेरा नेम हो गया, तो नेम भी क्या कर सकते हैं, जैसे क्या होता है, जनरली हम लोग नेम में क्योंकि ऐसा होता है, नेम में कोई नंबर टाइप कर देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या दिक्कत होती है, नेम में नंबर टाइप करते हैं, उसके बाद से फिर से डिलीट करते हैं, और डिलीट करने के बाद से तब हम इसका फिर से हम टेक्स्ट लिखते हैं। उस कंडीशन में क्या करता है डाटा वैलिडेशन, कहता है मेरे पास एक ऐसा ऑप्शन है जिसके सहारे से आप क्या कर सकते हैं, उस सेल में आप ओनली केवल टेक्स्ट ही लिख सकते हैं, उसमें नंबर नहीं लिख सकते हैं। अगर नंबर के जगह, अगर टेक्स्ट के जगह आप नंबर टाइप करना चाहते हैं, उस कंडीशन में अगर आपने नंबर टाइप किया, तो डाटा वैलिडेशन क्या करता है, एरर के रूप में मैसेज देने का काम करता है। मतलब जो भी हम गलती करते हैं, वह गलती को रोकने का काम करता है, गलतियों से बचाने का काम करता है, और एरर के रूप में मुझे मैसेज देता है कि आपको क्या करना है, ओनली टेक्स्ट ही लिखना है, या आपको क्या है, जैसे मेरा एज हो गया, एज मुझे चाहिए 18 से लेकर 25 तक। जैसे मैं 18 के और 25 के बीच में डालूंगा कोई एज, तो एक्सेप्ट करेगा। अगर 18 से जैसे मैं कम डालूंगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर ऐसे ऐसे कंडीशन आ जाए, उस कंडीशन में हम डाटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखा जाए स्टेप बाय स्टेप कैसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम एक ड्राप डाउन लिस्ट बनाना सीखेंगे, मतलब ड्राप डाउन लिस्ट मिस्टर, मिसेज, कुमारी, ऐसे ऐसे बनाना है। या जैसे मैंने क्या किया है, यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया है, टीवीएस, डेल, एससीएल और एसर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे प्रोडक्ट हैं। मैंने इनको बना के रखा है, मतलब एक मेरे पास दुकान है, उस दुकान में मेरे पास इतना ही आइटम है। मैंने क्या कर दिया, इसका एक ड्राप डाउन लिस्ट बना के रख दिया, मतलब बार बार लिखने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे जब टीवीएस बेचना है तो मैंने टीवीएस को सेलेक्ट कर लिया, डेल बेचना है तो डेल को सेलेक्ट कर लिया। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, ड्राप डाउन लिस्ट का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाया जाता है, मैंने इसको कॉपी किया और लाके यहाँ पे बगल में मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। फिर से यहाँ पे आया और मैंने एक बनाया हेडिंग मिस्टर, इंटर बटन दबाया, कुमारी, इंटर, और मिसेज मैंने यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे तीन बना दिया। अब मुझे टाइटल में तीन ही चाहिए, मिस्टर, कुमारी, मिसेज, ऐसे ऐसे, जहाँ मिस्टर है मिस्टर लेना है, कुमारी कुमारी, जहाँ मिसेज हो वहाँ मिसेज लेना है। तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, हम ड्राप डाउन का लिस्ट का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। लेकिन कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए हम डाटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, यह डाटा को सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद से मैंने यहाँ पर आए और ऑल बॉर्डर कर दिया, यहाँ से ऑल बॉर्डर कर दिया कि हमारा जो फॉर्मेट है वो अच्छी तरह दिखे। अब फिर से मुझे क्या करना है, टाइटल के नीचे मुझे सेलेक्ट करना है यहाँ पे पहले सेल पे, और सेलेक्ट करने के बाद से हमें जाना है डाटा टैब में, और डाटा टैब के अंतर्गत हमारे पास एक ऑप्शन आता है डाटा वैलिडेशन, और डाटा वैलिडेशन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से देखिए हमारा यह बॉक्स खुल गया। अब सबसे पहले देखा जाए सेटिंग, मतलब सेटिंग कहता है
सबसे पहले सेटिंग कीजिए, उसके बाद से जो अप्लाई करना है आप अप्लाई कीजिए। तो मैंने सेटिंग पे क्लिक किया, उसके बाद से पूछ रहा है वैलिडेशन क्राइटेरिया अलाउ, मतलब पूछ रहा है एनी वैल्यू। एनी वैल्यू में मुझे क्या करना है, यहाँ पे अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, इसके लिए हम लेते हैं लिस्ट, क्या लेते हैं लिस्ट लेते हैं। और लिस्ट लेने के बाद से सोर्स, तो सोर्स में मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैंने यहाँ पे पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लेना है, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मिस्टर से लेके और यहाँ कुमारी और मिसेज मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा यह सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने बाद से मैंने ओके कर दिया। देखिए जैसे मैंने ओके किया, एक हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया, और जैसे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट पे कोने पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा दिखा रहा है मिस्टर कुमारी और मिसेज। मतलब क्या हुआ, अब बार बार इसी तीनों में मुझे इस्तेमाल करना है, तो जब जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे और अप्लाई करके देख सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से लेके और यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर दिया। जैसे मैंने सेलेक्ट किया और जहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट साथ में ही जाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे अप्लाई करके देखा है। अब जैसे मैंने मिस्टर लिखा है और मैंने लिख दिया मिस्टर राज और इंटर बटन दबा दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे रानी, मैंने मुझे क्या करना है, बस मैंने चेंज कर दिया मैसेज, मैंने बता दिया रानी। मतलब क्या होता है, बार बार मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट से जिसे चेंज करना है हम उसे चेंज करके देख सकते हैं। तो मैंने क्या सीखा, कैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है हमेशा टाइटल का ही बना सकते हैं, कोई हमारे पास प्रोडक्ट है या हमारे बहुत सारे 10 ही इम्प्लाई हैं, उन्हीं में बार बार किसी को बुलाना है, ठीक है, उसी से संबंधित रिकॉर्ड निकालना है, उस कंडीशन में ही हम एक प्रकार का ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के और इसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं। अब आइए यहाँ पे नेम, नेम क्या कहता है, नेम का इस्तेमाल उस समय हम करते हैं मुझे चाहिए कि सेल में जितने मैंने सेल यहाँ पे आल बॉर्डर किया है उस सेल में मुझे क्या चाहिए, ओनली टेक्स्ट लिखे, कोई नंबर ना लिखे। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहीं पे आएंगे हम डाटा वैलिडेशन पे, और सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यह नेम वाले सेल से लेके और जहाँ तक मुझे चाहिए कि यहाँ पे ओनली टेक्स्ट लिखे उतना मैं सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद से हम डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे, और डाटा वैलिडेशन पे जाने के बाद से डाटा वैलिडेशन पे क्लिक किया। जैसे मैंने डाटा वैलिडेशन पे क्लिक किया, अब आएंगे सेटिंग पे, और सेटिंग में यहाँ पे अलाउ, और अलाउ में मुझे लेना है कस्टम। मतलब कस्टम क्या करता है, हम अपने तरफ से फार्मूला क्रिएट करेंगे, इसमें नहीं दिया है, कस्टम के सहारे हम अपने तरफ से जो भी फार्मूले का इस्तेमाल करना है हम करके देख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, अलाउ में कस्टम लिया और यहाँ पे बता रहा है फार्मूला, तो फार्मूला मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे फार्मूला लगाना है इक्वल टू इज टेक्स्ट, ब्रैकेट को ओपन करना है, और उसके बाद से देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर नेम वाले सेल के नीचे, नेम के नीचे जो हमारा सेल है उस सेल को मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सेलेक्ट कर लिया। जैसे मैंने सेलेक्ट किया, कह रहा है E10, मतलब E10 क्या बता रहा है कि E कॉलम और रो नंबर 10 को आपने सेलेक्ट किया है, और उसके बाद से हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे। मैंने क्या फार्मूला लगाया, इक्वल टू इज टेक्स्ट, ब्रैकेट को ओपन किया और एक सेल को मैंने सेलेक्ट किया, सेल नंबर बता रहा है E10, E कॉलम 10 रो में, और मैंने ब्रैकेट को बंद किया और ओके मैंने कर दिया। देखिए जैसे मैंने ओके किया, यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे राजेश, और ओके किया, देखिए एक्सेप्ट कर ले रहा है। लेकिन जैसे मैंने नंबर टाइप किया और इंटर बटन दबाया, देखिए एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। मतलब क्या है, कह रहा है द वैल्यू यू इंटर्ड इज नॉट वैलिड, मतलब आपने क्या हुआ, जो नंबर टाइप किए हैं वह वैलिड नहीं है, इस सेल में आप नंबर टाइप नहीं कर सकते हैं, ओनली आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। इस कंडीशन में ही हम कस्टम का इस्तेमाल करके और यहाँ पे नेम में, अब जैसे मैंने क्या किया, डायरेक्टली कुछ नेम लिख दिया, जैसे मैंने लिखा GIT और इंटर बटन दबा दिया, देखिए यहाँ पे GIT
एक्सेप्ट कर लिया। तो हमने क्या सीखा, ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाएंगे, और यहाँ पे कोई नेम मैंने लिखा है उसे उसमें ओनली टैक्सी लिखे, कोई नेम ही लिखे, उसमें कोई नंबर टाइप नहीं करना है, उस कंडीशन में भी हम डाटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। डाटा वैलिडेशन क्या करता है, वो हमें एरर के रूप में मैसेज भी देता है, जो भी हम गलती करते हैं उसे बचाने का भी काम करता है, और इसके सहारे हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के भी देख सकते हैं। इसी तरह मेरा देखिए प्रोडक्ट है, जैसे मेरे पास एक मैंने दुकान किया है, तो इस दुकान में इतना ही मेरे पास आइटम है, TVS है, डेल है, SCL है, SR है, तो इसका भी हम एक प्रकार का ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। जैसे मैंने क्या कर दिया, इसको डिलीट किया, और डिलीट करने के बाद से यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया दोनों को, और यहाँ पे होम टैब में आए ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दी, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक प्रकार का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, मतलब कभी TVS बेच रहा हूँ, कभी डेल बेच रहा हूँ, तो मेरा पूरा पूरा आइटम ना दिखाई दे, उसे ड्रॉप डाउन लिस्ट में सारा का सारा दिखाई दे, जिसे मुझे सेल करना है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद से उसका सेल कर देंगे। तो जैसे मैंने क्या किया, फिर से डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे, डाटा टैब में डाटा वैलिडेशन पे क्लिक किया, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद से पूछ रहा है सेटिंग, और यहाँ पे अलाउ कर एनी वैल्यू, तो एनी वैल्यू में मुझे क्या करना है, यहाँ पे फार्मूले का इस्तेमाल नहीं करना है, मैंने लिस्ट लिया, और लिस्ट लेने के बाद से कर सोर्स, तो वही मैं सोर्स सेलेक्ट करूँगा मेरा जो मैंने लिस्ट बना के रखा है, मैंने TVS से लेके और SR, डेल, SCL मैंने सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। जैसे मैंने ओके किया, देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के तैयार हो गया, और इसमें से मान लीजिए TVS को सेल करना, मैंने TVS को सेलेक्ट कर लिया, डेल को करना है डेल को सेलेक्ट कर लिया, SCL को करना है SCL को सेलेक्ट कर लिया, और SR को करना है तो SR को सेलेक्ट करके देख सकते हैं। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एक प्रकार का ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार कर सकते हैं, और उस डाटा को शार्ट में और जिसके हिसाब से मुझे देखना है उसके हिसाब से देख के और इसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं। डाटा वैलिडेशन के अंतर्गत मैं अगले नेक्स्ट डे पढ़ाऊँगा कि कैसे यहाँ पे सेटिंग में हमारे पास होल नंबर का इस्तेमाल किया जाता है, डेसिमल नंबर का इस्तेमाल किया जाता है, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ और कस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा।